वाली में ये 7-8 गायें लेकर आए हैं। अच्छी क्वालिटी की गायें हैं, सभी पशु मंडी डब वाली में आओ, गायें खरीदो। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हो। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इकबाल खान फार्म पर। किसान भाइयों आज एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं पशु मंडी डबवाली की, जो कि आपको मालूम है ये मंडी हर संडे को हर रविवार को लगती है। अच्छी क्वालिटी की गायें इस मंडी में बिकने के लिए आती है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगा घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम आपको पंजाब की सभी पशु मंडी की वीडियो शेयर करते रहते हैं, ताज़ा रेट की जानकारी देते रहते हैं। भाई सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। और जी की हाल चाल? बढ़िया जी बढ़िया। नाम बताओ जी अपना। करण सिंह जी। कहाँ से हो आप? पिंड बाहो सिंह जी, जिला बठिंडा जी। ठीक है जी। आज पशु मंडी डबवाली में कितनी गायें लेकर आए? साढ़े को 8-10 गायें लेकर आए। सेल हुई कोई अभी? एक बेची है जी। एक बेची है, क्या कारण है? मंदा थोड़ा सा? हाँ मीह मुझे पे गारे गुरे करके गा के जाना। एक मंडियां भी 3-4 आ जाए? मंडियां 3-4 आ गया, ला गया तो सही है। वैसे अभी बारिश वगैरह से जैसे पंजाब में हो गई है, ग्राहक को चलना चाहिए अभी, है ना? ग्राहक तो रहे फिरता है अभी मंडी में, तो ग्राहक है लेकिन अभी दाम नहीं लगा रहा। पैसे कट लेंगे, कम लगा रहे हैं। ठीक ठीक। चलो अपनी इस पहली गाय की डिटेल बताओ जी, कौन से ब्याह में बही हुई है? अभी ब्याहने वाली है। कितना टाइम पड़ा ब्याहने वाली? 10 दिन ले जाएगी। कितना दूध निकाल देगी? दूध 27-28 दे दोगे आराम से? जी जी। अंडर तो अभी लूज पड़ा है, काफ़ी अच्छा अंडर बनाएगी। रेट क्या रखा है जिसका? रेट 85,000 रुपये। 85,000 डिमांड है इसका, कुछ रेट लग रहा है मंडी में? 60-60 ला दे देंगे, 65 की छोड़ दोगे? दूध 27-28 लीटर दे देगी ना? देगी। चला के दिखाओ। तो किसान भाइयों गायें आपको चलाकर दिखाते हैं। तीसरे ब्यांत में ये गायें बहेगी, लेकिन लग रही है अब दूसरे ब्यांत में जैसे गायें बहेगी ऐसा लग रही है। अंडर क्वालिटी आपके सामने है, 27-28 लीटर भाई साहब ने बोला कि दूध निकालेगी। हाइट क्वालिटी बहुत अच्छी है और सिर्फ 65,000 रुपये में आपको पशु मंडी डब वाली में ये गायें मिल जाएगी। मौके पर तो मानदान और भी हो जाएगा, और भी कम हो सकती है। ये पशु मंडी डब वाली में आओ और इस तरह की अच्छी अच्छी गायें अपने फार्म के लिए लेकर जाओ। हाँ जी जसकरण जी, ये दूसरी गाय भी आपकी है? हाँ जी हाँ जी। ये कौन से ब्यांत में ब्याने वाली है? ये दूसरा सुबह सुबह। इसके कितने दिन पड़े अभी? ये भी लगी 10-12 दिन लगी। कितना दूध निकाल देगी? दूध दे दूंगी 22-23 किलो दे दोगी आराम से? हाँ जी। रेट इसका? रेट है 75 कर देंगे। बेचने वाला दाम एक ही? 8,000 छोड़ दोगे? चला दो। इसकी डिटेल बता दो चलाने से पहले जी, ये कौन से सुई सुई हुई है? परसों सुई है। जेर वगैरह पर की इसकी? बढ़िया पाएगी जी। बढ़िया पाएगी। कितना दूध ये निकाल देगी जी? दूध तो हैगा 5 लीटर होना है जी। अभी हाजिर है? हाजिर। दे देगी 26-27 लीटर? अंदर नहीं दे दूँ। दे देगी ना? हाँ जी। रेट इसका जी? रेट है 85,000 रुपये। इसका 85,000 डिमांड है, ये कितने में छोड़ दोगे? 60-65,000। 2 कम 70 की, 3 कम 70 की हो जाएगी? हाँ जी। चला दो जी इसको। तो किसान भाइयों बिल्कुल रीजनेबल रेट है भाई साहब के पशु मंडी डब वाली में, ये 7-8 गायें लेकर आए हैं। अच्छी क्वालिटी की गायें हैं, सभी पशु मंडी डब वाली में आओ, गायें खरीदो। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हो।
इसकी भाई साहब डिटेल बता दो पहले, कौन से ब्यांत में बेगी ये, कितने दिन पड़े इसके ब्याने में जी? दस दिन तक ले जाएगी ना? कितना दूध निकाल देगी? दे दूंगी, बड़ी गाय है ना, इतना दूध देना चाहिए इसको। रेट इसका जी? रेट करते हैं 85,000 डिमांड है। ये कितने में छोड़ दोगे ग्राहक के लिए? दे देंगे 70,000 की छोड़। 70,000 की यस और नो हो जाएगी, चला दो जी इसको। तो किसान भाइयों, ये दो गायें भाई साहब के पास और है, मंडी में थोड़ी बारिश हुई है इसकी वजह से थोड़ा सा कीचड़ हो चुका है मंडी में, इसलिए भाई साहब चलाने से थोड़ा सा कर रहे हैं। लेकिन गायें साहब भाई साहब के पास सभी अच्छी हैं, सभी गायें 20 लीटर दूध से ऊपर की गायें हैं। रेट भी भाई साहब का 55-60 हज़ार से लेकर 70-80 हज़ार तक रेट की गायें मिलेगी। इस तरह की गायें खरीदना चाहते हो तो पशु मंडी डब वाली में ज़रूर आओ, अच्छी अच्छी क्वालिटी की गायें खरीदो, कम रेट में खरीदो और अपने डेयरी फार्म को सक्सेसफुल करो। बहुत ही अच्छी वीडियो है ये, अच्छी गायें हैं पशु मंडी डब वाली में। एक गाय भाई साहब के पास और है, इसका भी अड्डर बहुत अभी लूज पड़ा हुआ है, ब्याने में काफ़ी टाइम पड़ा है इसके भी। ये भी मेरे हिसाब को लगता है कि 35 लीटर दूध ये गाय आराम से निकाल देगी भाई साहब।